हम डेहरी नौहट्टा यदुनाथपुर राजमार्ग यानी NH 119 पर रहें। आज हम आपको लिए चलते हैं रोहतास के एक और बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध और पवित्र स्थान पर, महादेव खो वाटरफॉल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिस्टेंस बिटवीन बाय विवेक में, और आज हम आपको लेकर के आ गए हैं एक और कैमूर पहाड़ी पर स्थित महादेव खो झरना और मंदिर में। जैसे ही हम अकबरपुर से आगे बढ़ते हैं, हमें ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखाई देता है। कैमूर पहाड़ी का यह एक ऐतिहासिक हिस्सा है जहां रोहतासगढ़ किला बना हुआ है। यहां आने के बाद आपको पहाड़ी के ऊपर बने रोहतासगढ़ किले के चार दीवारी के कुछ हिस्से, छतरी और प्रसिद्ध चौरासन मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कुछ खाने के लिए लेना चाहते हैं तो यहीं ले सकते हैं, या पहाड़ी के नीचे श्रावण मास में आयोजित मेले में भी ले सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैमूर पहाड़ी और घाटियों का यह प्राकृतिक दृश्य उतना ही सुंदर और मनोरम होते जाता है। महादेव खो जलप्रपात का ऊपरी हिस्सा काफी दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता है। के हैं महादेव खो पहाड़ी के नीचे, और हम लोग अब यहाँ से पैदल निकलेंगे ऊपर चलने के लिए। और हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि छोटे मोटे यहाँ पे दुकान लग चुके हैं, और यहाँ पूरे सावन महीने में आपको ये दुकान दिखेंगे लगते हुए। आपको सामने जो झरना दिख रहा है, हम लोग को वहीं पे चलना है, और हम लोग अब चलते हैं पैदल चढ़ने के लिए। बाइक लास्ट यहीं तक आता है, और हम अपना गाड़ी अब यहाँ से आगे नहीं लेके जा सकते हैं, तो हम अपना बाइक को पार्क करके और अब निकल चुके हैं पैदल हम लोग चलने के लिए। इसके आगे गाड़ी को ले जाना काफी मुश्किल है, तो यहाँ से आगे हम पैदल ही प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद उठाते हुए जाएंगे। महाशिवरात्रि और श्रावण में बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ से हजारों श्रद्धालु महादेव खो जलप्रपात को देखने तथा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। और हम लोग अब वहीं पे जा रहे हैं। लगभग 2 से 3 किलोमीटर का चढ़ाई है जहाँ बाइक हम लोग पार्क किए हैं वहाँ से, और अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। लेकिन बिहार में योद्धा का कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बाइक इतने पहाड़ पे इतना ख़राब रास्ता में यहाँ तक पहुँचा देना, ये आम बात नहीं है। आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि जितना भी आने में थकान होगा आपको यहाँ झरना में स्नान करने के बाद दूर हो जाएगा। यहाँ झरना में स्नान करने का अलग ही मज़ा है। यहाँ आने के बाद आपको स्वर्ग सा एहसास होगा। यह बिहार का एक और प्राकृतिक स्थान जो कैमूर पहाड़ी की गोद में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना हरियाली, कितना हरा भरा और अच्छा स्थान है। श्रावण मास में आप महादेव खो स्थित प्राचीन शिव मंदिर तथा कैमूर पहाड़ी स्थित रोहितेश्वर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। यहां आए हजारों श्रद्धालु भोले बाबा की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करते हैं। अब हम तो भाई पर्सनली थक चुके हैं और थक के बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँचाई चढ़ाई होने के कारण यहाँ सांस भी फूलने लगा है काफ़ी ऊँचा। तो चलिए हम अपना ट्रैकिंग को कंटिन्यू करते हैं और सारे थकावट को भूल के चलते हैं भगवान भोलेनाथ की शरण में। हर हर महादेव। यहाँ से सोन नदी 10 किलोमीटर के दूरी पर है, जिसके वजह से काफी लोग सोन नदी को पार कर यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उत्तम तपस्वी आश्रम और महादेव खो के संचालक श्री करुणानंद जी साधु बाबा द्वारा यहाँ का देख रेख किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं सबसे ऊपर, और अब चलेंगे सीधे स्नान करने। फ्रेंड्स, अब हम नहा के निकल चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं पूजा करने के लिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने भस्मासुर नामक राक्षस को वरदान दिया था, तो वो राक्षस भगवान शिव को भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गया था। तब महादेव इसी गुफा में आकर शरण लिए, और तभी से यहाँ उनकी पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ भगवान शिव भस्मासुर राक्षस से चलते, और ये पहला सावन का पहला जल भगवान शिव को ही चढ़ते हैं यहाँ पे, और ये है वो देख सकते हैं। जय हो भोलेनाथ।
सजा करके और हम लोग अब निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा टीम आगे आगे जा रहा है। फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।